आगामी बारिश को देखते हुए विदिशा के होमगार्ड सैनिक बचाव के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण बेतवा नदी के किनारे बड़ वाले घाट पर किया जा रहा है। कमांडेंट शशिधर पिल्ले ने बताया कि 2 जून से यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिले के गंजबासुदा, कुरवाई और सिरोंज के सैनिक बुलाए गए हैं। पिछली बार भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें हमने 600 से ज्यादा व्यक्तियों को सुरक्षित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला था। गंजबासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैं शशिधर पिल्ले, ये विदिशा होमगार्ड में कंपनी कमांडर पद पर कार्यरत हूँ। हमारे डीजी श्री अशोक दोहारे साहब के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह हर जिले में बाढ़ बचाव संबंधी प्रशिक्षण संचालित है। उसी के तारतम्य में डिविजनल कमांडेंट सुश्री उषा डामर और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री जीपी प्रजापति जी के मार्गदर्शन में 2 जून से यहाँ बेतवा घाट विदिशा में हमारी QRT टीम, और जो हमने 11 स्थान विदिशा जिले में चिन्हित किए हैं जहाँ पर कि बाढ़ संभावित एरिया है, वहाँ के जवानों को हम यहाँ पर बुला करके उन्हें जल आपदा से किस तरह से निपटना है इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर उनके दे रहे हैं। इसमें हम उन्हें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपन को तैरना है, अच्छे तैराक हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें रेस्क्यू टेक्निक भी बताई जा रही है कि किस तरह से अपन को अपनी रक्षा करते हुए किसी डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल करके ले आना है, इसकी भी हम यहाँ पर इसे इन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। इन्हें हम बता रहे हैं कि अगर उसने सामने वाला जिसे आप बचाने गए हो और वो डूब गया है तो किस तरह से, वो उसने आपको बुरी तरह जकड़ लिया है तो किस तरह से आप उसे छुड़ाएंगे, इसकी सिखलाई हम इन्हें दे रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न जो हमारी विधियाँ हैं, चिन टू कैरी, चेस्ट कैरी, हेड टू कैरी, इसके द्वारा किस तरह से उसे बाहर निकाल करके ले आएंगे, इसकी हम इन्हें सिखलाई दे रहे हैं। इन्हें हम यह भी बता रहे हैं कि अगर आपने किसी को बचा लिया है तो उसे फर्स्ट एड भी दें, और फर्स्ट एड किस तरह से देना है इसकी भी हम इन्हें सिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा बोट हैंडलिंग का हम यहाँ बराबर अभ्यास कर रहे हैं, हम अपने बोट चालक तैयार कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ऐसे जवान तैयार कर रहे हैं जो कि बाढ़ के समय जबकि ज़्यादा बहाव रहता है उस समय भी बोट चला करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कितने दिन की दी जा रही है? ये हमारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण है जो 2 तारीख से प्रारंभ है। इसमें हम जो हमारी QRT टीम हमने बनाई हुई है, इसके अलावा हमारा एक EOC हमने बनाई हुई है अपने यहाँ, इसमें कि किसी भी 24 घंटे जो कार्यरत रहेगी बाढ़ के समय, कोई भी सूचना है डूबने की हमें अगर मिलती है तो हमारी टीम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाएगी। इसके लिए QRT टीम बनाई गई है जो 8-8 घंटे बराबर सक्रिय रहेगी वहाँ पर हमारे कैंप में। 10-11 जवानों की एक टीम है जिसमें उसके प्रभारी मोटर बोट और अन्य आपदा बचाव उपकरण के साथ वहाँ पर तैनात रहेंगे, कहीं से भी सूचना मिलती है तो हम वहाँ के लिए रवाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।